शिव योग की सर्वश्रेष्ठ श्री विद्या साधना के अनंत वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात महर्षियों और शिव योग के सिद्धों ने प्राप्त किया और गुरु केवल एक सुपात्र शिष्य को ही इस ज्ञान को प्रदान करते थे। उसी लुप्त प्राय ज्ञान को अब परम पूज्य अवधूत शिवानंद जी प्रेम वर्ष सारे विश्व को उपलब्ध करा रहे हैं। भोग और मोक्ष दोनों दिलाए वो है अद्वैत श्री विद्या साधना। आप भी बाबा जी के दिव्य सानिध्य में शिव योग श्री विद्या साधना की कृपा प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करें। एक जो साइकोलॉजी है, जो बिहेवियरल साइंसेस में तुम पढ़ते हो, वो शुरुआत है कि हर मनुष्य के भीतर एक साइकोलॉजी है और उसी पे रिवॉल्व करता है, वो है फाइट और फ्लाइट। मनुष्य और पशु में एक सिमिलैरिटी है। पशु क्या है कि जब जाता है कुछ चाहिए उसको दूसरे पशु से, वो फाइट करता है, और जब देखता है कि वो कमजोर हो गया तो फ्लाइट, वो भाग जाता है। और दूसरा सिमिलैरिटी मनुष्य और पशु की बताई है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वो जो सबसे तगड़ा है वो रहेगा और जो कमजोर है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हर आदमी जो है, घर घर में हर कोई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सासू है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बहू कहती चलो मैं सर्वाइवल ऑफ द, फिर सासू नीचे आ गई वो ऊपर हो गई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। भाई बहन है सर्वाइवल, दैट इज कॉल्ड द इन एनिमल्स दिस इज कॉल्ड द अल्फा मेल फिनोमेना। अल्फा मेल जो है, मैंने अफ्रीका के जो सफारीज देखे तो वहाँ पे मैंने इस बिहेवियर को देखा कि जो टाइगर है, वो टाइगर जो एक अल्फा टाइगर है वो सारी टाइगर्स के साथ है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बाकी जितने और जो कमजोर टाइगर्स हैं वो हर्ड से बाहर अकेले घूम रहे हैं। जो जेब्रा है तो द फिटेस्ट जेब्रा, वो क्या बोलते हैं फीमेल को, जेब्रियों को, वो सारी जेब्रियों के साथ है, और बाकी जो कमजोर जेब्रे हैं वो कोने में खड़े हैं। तो पूछा ये क्यों है, बोला कि ये जो है अल्फा मेल है, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो एक साइकोलॉजी और वो बहुत ही सिमिलर बिहेवियर जो है वो हमने मनुष्यों के अंदर भी देखा कि जहां भी कोई जाता है वो कहता है कि औरों को खत्म कर दो तो मैं ऊंचा हो जाऊंगा। लेकिन ये सिर्फ एनिमल बिहेवियर है। तीन भाव शिव योग कहता है होते हैं। पहला भाव पशु भाव। जो पशु भाव जब ज्यादा प्रचलित होता है तो फाइट एंड फ्लाइट और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये साइकोलॉजी बहुत ज्यादा रहती है, और उसी में फिर फीलिंग ऑफ जेलस एंड फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट, ये वहां से उत्पन्न होती है। क्योंकि फाइट करना है, दबा देना है, अगर नहीं दबा सके तो उसको देख के सल्क करना है कि दबा नहीं सके, ये ऊंचा है। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सब अगर कम हो जाए, खत्म हो जाए तो मैं ऊपर उठ जाऊं। पूरे देश, पूरी दुनिया इसी चीज के ऊपर जो है पशु भाव में है। दूसरा भाव शिव योग कहता है मनुष्य भाव, और तीसरा भाव कहता है देव भाव। अब मनुष्य भाव क्या है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जब बच्चों को सिखा रहे थे, जब अध्यापक थे, तो उन्होंने एक लाइन खींची और बोला इस लाइन को मिटाए बगैर, इस लाइन पे प्रहार किए बगैर इसको छोटा कर दो। पहला माइंड में क्या विचार आता है, इसको मिटा के छोटा कर दो, वो क्या फिनोमिना है, फाइट एंड फ्लाइट।
मैं फाइट करूं इसको जाने, अगर मुझे धक्का मार दिया मैं भाग जाऊंगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसको छोटा कर दो। और हर मनुष्य दूसरे की लाइन को मिटा करके छोटा करता है, क्योंकि उसकी चेतना का स्तर नीचा है, दूसरे की बुराई करके अपने को बढ़ाने की चेष्टा करता है। लेकिन जो तुम शिव योग की साइंस को सीख जाओगे, ऐसी गलती कभी नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा कि बड़ा आसान है, दूसरी लाइन लंबी खींचती है, उसको छुआ भी नहीं, उसकी तरफ देखा भी नहीं, एक और लंबी लाइन खींचती है। बोले ये लाइन छोटी हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। ये मनुष्य भाव है। वी आर नॉट वर्किंग ऑन दैट एनिमल साइकोलॉजी जो कि मॉडर्न साइकोलॉजी इज टीचिंग, बिकॉज दे ऑल नो वी हैव द मेमोरी ऑफ 84 लाख योनि। 84 लाख योनियों में हम रहे और उन 84 लाख योनियों का भाव हमारे भीतर रहा। अब जब हम उससे बाहर निकलेंगे तब दूसरा भाव है अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को ऊपर उठाना। वो जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, वो जो नेगेटिव साइकिक इंप्रेशंस हैं, उसको रिलीज करना। जैसे रिलीज करोगे आपकी चेतना ऊपर उठेगी, और जब चेतना आपकी ऊपर उठी आप दूसरे व्यक्ति से ज्यादा बढ़ जाओगे। समझ आया कि नहीं? क्योंकि अभी मैं जो भी आपको बताऊंगा आप उसको अपने संस्कारों के अनुरूप प्रोसेस करोगे। आज अगर मैं आपसे पूछूं आप क्या समझे तो 10 लोग 10 अलग अलग जवाब देंगे। कुछ लोग कहेंगे बड़ा अच्छा है और कुछ लोग कहेंगे बिल्कुल बकवास है। दोनों सही हैं, अपने संस्कारों के अनुरूप दोनों सही हैं। भावना अगर शुद्ध है तो सेवा भी शुद्ध है, भावना अगर अशुद्ध है तो वहां तो पाप लगेगा ही लगेगा, वहां तो दोष लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना? तो इसलिए और संकीर्तन, चैंटिंग, ध्यान संकीर्तन, और ये ध्यान संकीर्तन का अभ्यास करो, अपने इमोशंस को इसमें जागृत करने की चेष्टा करो। जो भी शब्द बोलो उसको इमोशनली फील करना। जब मैं बोलूं आई एम शिवा तो इमोशनली फील करना कि तुम जो है, तुम्हारे भीतर जो भगवान शिव है वो जागृत हो रहे हैं, और तुम्हारी जो मैं है वो समाप्त हो रही है, जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है वो खत्म हो रही है, एंड इट इज टर्निंग इनटू शिवा कॉन्शियसनेस। तो वो भाव लेकर के आना, और ईगो अहंकार जो है वो आपको गहरे ध्यान में नहीं जाने देता। ये शरीर की ईगो का क्या लेना देना, बेजू बावरा बन जाओ, बावरा हो गया। और वो ध्यान, वो संकीर्तन, वो वाणी कैसी भी हो लेकिन वो परमात्मा से जुड़ी होगी। तुम्हारा एक एक रोम रोम जो गांठे हैं, जो ग्रंथियां हैं, उसको वो जागृत करेगी। इसलिए एक अभ्यास डालो लाइफ में भी, लर्न टू सिंग, जब भी मौका मिले गाना। दैट इज द रिदम, देर इज ए डिसोनेंस एंड देर इज ए रिदम। डिसोनेंस होगी तो पीड़ा होगी, कष्ट होगा, रिदम होगी, पूरा यूनिवर्स जो है वो एक रिदम से चल रहा है, और सारा अंतरिक्ष जो है वो एक अदृश्य शक्ति है वो उसको चला रही है। वो अदृश्य शक्ति हमको भी चला रही है, लेकिन माया में फंस के हम उसके ऊपर ओवरलैप करके हम बोलते हम चला रहे हैं। हम कहां चला रहे हैं? हमें तो ये भी मालूम नहीं कि हम सांस चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं। वो हमारी सांस की रिदम जो है उसको भी पकड़े हैं। हमारे को तो ये भी मालूम नहीं कि हम अपने हार्ट से ब्लड को पंप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
वो करवा रहा है, अंदर चल रहा है। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि हमारे अंदर जो हार्मोन सेक्रेशन है एंडोक्राइन सिस्टम में, कौन सा हार्मोन किस भाव से वो सेक्रेट हो रहा है, वो अपने आप वो कर रहा है। देयर इज ए इनविजिबल फोर्स, और उस परमात्मा से मुझे जब जुड़ना होगा तो मुझे वो रिजिडिटी छोड़ के, रिजिडिटी इज फाइनाइट, एंड द डे आई लेट गो ऑफ दैट रिजिडिटी आई बिकम इनफाइनाइट। जितना ज्यादा छोड़ता जाऊंगा उतना ना आदि होगा ना अंत होगा, अनादि अनंत हो जाऊंगा। When I am like this, I am finite. I am restricting myself. And when I do like this, I welcome and I become infinite. एक संत थे, वो हिमालय की कंदराओं में कई बरस से एक स्थान पर बैठे तप कर रहे थे। तो नीचे जो कस्बा था, एक किसी को पता चल गया, अरे इतना बड़ा महान साधु इतने दिन से तप कर रहा है, इसकी इज्जत करी जाए, बुलाया जाए। तो सब समय निर्धारित हुआ, सबको सूचना दे दी इतना बड़ा साधु आने वाला है। भीड़ उमड़ गई, मेला जैसा हो गया। अब वो साधु बाबा आए, अब वो स्टेज की तरफ जाने लगे तो लोग उनको जाने ही ना दें, उनको पता ही नहीं ये कौन है। तो जब पीछे हट तू पीछे हट, मैं आगे देखूंगा। तो चार छह धक्के खाए, थोड़ा गुस्सा आ गया उनको। फिर एक आदमी ने उनके पैर पे पैर रख दिया तो उनको बहुत ही गुस्सा आया, उसको पकड़ लिया और गुस्से में चिल्लाने लगे, कहते नालायक मूर्ख, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, मैं ही हूं जिसके लिए इतनी भीड़ लगी है, और तुम वो सॉरी सॉरी करके सब हट गए। उनको स्टेज पे ले जाने लगे, वो बोले नहीं अब मैं जा रहा हूं। तो वो बेचारे गांव वाले दुखी हुए, बोले कहाँ महात्मा जी, वापिस जा रहे हैं साधना तप करने? बोले नहीं। तो क्या कहाँ जा रहे हैं? बोला वहां तो अकेले में कोई छेड़ने वाला नहीं था, तो बड़ी शांति थी मुझे, अब मुझे अभ्यास करना है, इस संसार में मैं जा रहा हूं, वो जो मैंने उपलब्धियां प्राप्त करी अब उसको जो है मेरे अंदर वो अहंकार ना आए। एक क्षण में अहंकार आ गया, ये इतनी भीड़ जानते हो मेरे लिए लगी है, अहंकार आ गया। तुम्हारे लिए तब तक लगी थी जब तक अहंकार नहीं था, जब तक तुम सरल थे, जब तक तुम परमात्मा से जुड़े थे तब ये भीड़ लगी। जिस दिन तुम कहना शुरू कर दोगे मेरे लिए भीड़ लगी, उस दिन भीड़ छट जाएगी। तो मैं संसार में जा रहा हूं, वापिस जा रहा हूं, वहीं तप करूंगा, वहीं अनुभव करूंगा, वहीं सारा ज्ञान मुझे प्राप्त होगा। एकांत में बैठ के तो क्या होगा? एकांत में तो अगर किसी को अम्मा को डायमंड ज्वेलरी दे दो, वो तपस्या कर रही हो, तो उसको मजा नहीं आएगा, वो मिलते के साथ ही वो भागेगी, दिखाए नहीं तो क्या मजा आया। लेकिन लेकिन आउटग्रो करना है उस चीज से, जो असली गहना मेरा भीतर की वो शक्तियां हैं, अनंत की वो शक्तियां हैं। शिव योग में जब हम आते हैं तो शुरुआत हम एनर्जी से करते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं तो भगवान की बात करेंगे तो आधे लोग इसी शंका में बेहोश हो जाएंगे कि हमारे भगवान जी तो दूसरे थे, यहां दूसरे की बात हो गई, पता नहीं पाप तो नहीं हो गया। तो हम उसकी बात नहीं करते, पहले साइंस की बात करते हैं। देयर आर ओनली टू एनर्जीज, एक पॉजिटिव एनर्जी है और एक नेगेटिव एनर्जी। मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो निरंतर एक ऊर्जा को पैदा करता है, एनर्जी को पैदा करता है। हमारे शास्त्रों में जो लिखा है उसको मैं डीकोड कर रहा हूं, जो वेदों और उपनिषदों में लिखा है कि मनुष्य देवताओं को भी पुष्ट कर सकता है और मनुष्य असुरों को भी पुष्ट कर सकता है।
इसीलिए असुर भी मनुष्य की चेष्टा करते हैं और देवता भी मनुष्य की ही चेष्टा करते हैं, क्योंकि जो आपका भाव होगा, जो आपके मन में इमोशन होंगे, उसी के अनुरूप आप एक एनर्जी को उत्पन्न करते हो। अगर नेगेटिव इमोशन होगा तो आप कौन सी एनर्जी को पैदा करोगे? नेगेटिव एनर्जी। और अगर एक पॉजिटिव इमोशन होगा तो कौन सी एनर्जी को पैदा करोगे? बोलो, पॉजिटिव एनर्जी। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है कि जो भी एनर्जी को आप पैदा करते हो वो एनर्जी एक एंटिटी के रूप में परिवर्तित हो जाती है, एक लाइव बीइंग के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसको ये क्वांटम फिजिक्स वालों ने इसको नाम दिया है थॉट एंटिटीज का। हर मनुष्य जो है एक थॉट एंटिटीज को प्रोड्यूस करता है, और वो एंटिटीज कहां रहती हैं? जो प्रोड्यूस करता है, जो उसका माता पिता है, उसके पास रहती हैं। आपने अनुभव किया होगा अगर शरीर में कहीं शूटिंग पेन है, कहीं दर्द है, जैसे ही आप हीलिंग करते हो वो पेन घूम के दूसरी तरफ चली जाती है। कुछ लोगों ने अनुभव किया होगा। तो पेन मूव्स एक जगह पे खिसक के दूसरी जगह, तीसरी जगह। ये एक अलाइव बिहेवियर है, एक एंटिटी, दिस इज कॉल्ड एथरिक पैरासाइट। जैसे फिजिकल पैरासाइट्स हैं फिजिकल वर्ल्ड में, उसी तरीके से एथरिक पैरासाइट्स वो भी एग्जिस्ट करते हैं। जो फिजिकल पैरासाइट्स हैं वो गंदगी से हम पैदा करते हैं, फिजिकल गंदगी से पैदा करते हैं, और जो एथरिक पैरासाइट्स हैं वो हम मानसिक गंदगी से पैदा करते हैं। जो नेगेटिव विचार आते हैं उससे हम उनको पैदा करते हैं, और वो हमारे भीतर ही वो एंटिटीज जो हैं, देर आर थॉट एंटिटीज, जिसको हम अपने भीतर हम जगा देते हैं। वो कार्मिक फैक्टर्स के रूप में, संचित कर्मा के रूप में वो हमारे भीतर संचित होती है। मन जो है वो हमेशा क्रियामान है, मन कभी रुकता नहीं है। मन के अंदर अगर आप कहो विचार शून्य हो जाओ, वो कभी रुकता नहीं है। जब तक कि मन को परम आनंद की सीमा तक ना ले जाओ, द माइंड सर्चेस फॉर द हैप्पीनेस, और जहां उसको खुशी मिलेगी वो उस तरफ दौड़ता है। जब आदमी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है तो उसको वो परवर्टेड हो जाता है, उसको बोला जाता है ही इज अ परवर्टेड पर्सन, उसको बुराई में खुशी मिलती है। उसके मन का अभ्यास हो जाता है किसी की बुराई करना है, किसी के बारे में बुरा कहना है, किसी को वो बहुत बुरा है, वो एक इट इज वो एक बहुत ही वो नेगेटिव। लेकिन हर शब्द जो हम बोल रहे हैं, हर जो सोच हम बोल रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखना, हम एक एनर्जी, हम एक ऊर्जा को पैदा कर रहे हैं, हम एक वाइब्रेशन को पैदा कर रहे हैं। वेदों में, उपनिषदों में कहा है मन ही करता, मन ही भोगता। आप आज जिस स्थिति में हैं, अगर बहुत सक्सेसफुल हैं तो वो आपके मन की क्रिएशन है। अगर कोई व्यक्ति बहुत दुखी है तो वो उसके मन की क्रिएशन है। जीवन में जो कोई भी घटना घटित हो रही है वो मैंने स्वयं उसको पैदा किया है, मन ही पैदा कर रहा है। वो बात और है कि मन पे नियंत्रण नहीं, अनजाने में मन पैदा कर रहा है। शिव योग इज नोइंगनेस। अब जो भी कुछ पैदा होना है वो मैं सोते जागते हुए मैं उसको पैदा करूंगा, लेकिन मन ही करता, मन ही भोगता।
आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला जो निकाला वो था E=mc². उसका मतलब है कि दुनिया में जो भी पदार्थ है इसकी उत्पत्ति जो है एनर्जी से हुई है। जो कोई भी पदार्थ है, चाहे आप जेवर पहने हैं, कपड़ा पहने हैं, जिस कुर्सी पे आप बैठे हो, या स्वयं जो आप हो, ये किस चीज के बने हो, ये एनर्जी के बने हैं हर कुछ। और एनर्जी किस चीज की बनी है? एनर्जी वाइब्रेशंस की बनी है। वाइब्रेशन से एनर्जी पैदा होती है और एनर्जी से पदार्थ पैदा होता है। जब आप मन में कुछ भी सोचते हो या मन में जो भी भाव आप लेकर के आते हो, वो एक वाइब्रेशंस को पैदा करता है, वो एक वाइब्रेशंस को पैदा करता है। और उसके बाद जो भी आपका रिएक्शन है, जो भी कोई घटना है उसके प्रति जो आपका रिएक्शन है, वो एक एनर्जी को पैदा करता है। और वो जो एनर्जी आपने रिएक्ट करके पैदा करी है, उससे जीवन में जो भी घटना है वो फलीभूत होती है। जो एक मनुष्य है, ये 5 शरीरों का बना है, लेकिन अगर टोटालिटी में मैं अपने को जानने की चेष्टा करूं तो आई एम द बॉडी, आई एम द माइंड, आई एम द सोल। मैं बॉडी, माइंड और सोल, ये 3 चीज का मैं बना हूं। जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। आत्मा शून्य है, आत्मा निर्गुण है। आप आज जिस परिवार में आप पैदा हुए हो, जो आपके माता पिता हैं, जो आपके भाई बहन हैं, हो सकता है कोई बहन भाई आपका बहुत अच्छा हो, कोई भाई बहुत परेशानी भी कर रहा हो, लेकिन ये सब आपने स्वयं इसको चुना। जब तक मैं सगुण की अवस्था में हूं, जब तक मैं शरीर में हूं, तो मेरे को कुछ सुख पैदा हो रहा है और मुझे कुछ दुख पैदा हो रहा है। जब तक मैं लोअर एनर्जी के उसमें हूं, जो स्थूल शरीर है, जो पदार्थ है, ये ग्रॉस वाइब्रेशंस हैं। एनर्जी इज ऑल्सो ए वाइब्रेशन बट अ लोअर। और जब ये बिल्कुल एक निर्गुण की अवस्था में आ गई तो ये वाइब्रेशन स्पंदन में पैदा हो जाती है। परमात्मा को कहा गया है शून्य। शून्य यानी कि इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन है, द गॉड फ्रीक्वेंसी इज सो हाई कि हम उस परमात्मा को हम अनुभव नहीं कर पा रहे, इसलिए हम उसको बोलते हैं शून्य। और शून्य ही अनंत है। शून्य इज इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट इज शून्य। जैसे फिजिक्स लैब में जब आप टोंग लेके ऐसे मारते हैं तो आवाज आती है ऐसे करके, और फिर जब कस के मारते हैं तो आवाज आनी बंद हो जाती है। उसका कारण यह है कि पहले फ्रीक्वेंसी लो थी, वाइब्रेशंस की आवाज आ रही थी। जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ी, आपके कान अब तैयार नहीं है उस साउंड को, उस साउंड वेव्स को सुनने के लिए। उसी तरीके से ये स्थूल जगत है और ऐसा ही सूक्ष्म जगत भी है। एंड दे ऑल आर पैरेलल वर्ल्ड्स, अलग नहीं है, वो सब पैरेलल है। हम जिसको इनफाइनाइट बोलते हैं वो भी पैरेलल है, वो भी यहीं पर है। अगर मैं बोलूं कि पूरा अनंत तो यहां समाया है। देयर इज अ मैक्रो यूनिवर्स एंड विद इन द मैक्रो देयर इज अ माइक्रो यूनिवर्स एंड विद इन दैट माइक्रो यूनिवर्स देयर इज अ मैक्रो यूनिवर्स एंड विद इन दैट मैक्रो यूनिवर्स इज द माइक्रो यूनिवर्स एंड विद इन दैट माइक्रो यूनिवर्स देयर इज अ मैक्रो यूनिवर्स। और ये कोई लिमिट नहीं है, इट गोज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इन, इनफाइनाइट आउट। वो अनंत का जो ज्ञान है, क्योंकि अभी हम 3 डायमेंशन के
हिसाब से हमारी जो परसेप्शन है हम उसको देखने समझने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे चेतना हमारी बढ़ती है, हमारी परसेप्शन पावर, हमारे देखने समझने की शक्ति जो है वो भी बढ़ जाती है। हम उस शून्य, उस अनंत के भीतर जब प्रवेश करते हैं, जब मेरे गुरु ने बोला कि तू किस ब्रह्मांड के रहस्य को जानने की बात कर रहा है, तू ब्रह्मांड में नहीं रहता, ब्रह्मांड तेरे भीतर रहता है। यूनिवर्स इज विद इन यू, यू आर नॉट इन द यूनिवर्स। और अगर रहस्य को जानना है तो अपने आप के रहस्य को जान लेना। जैसे जैसे तुम अपने को जानोगे तुम अनंत को जानना शुरू हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर अनंत की शक्तियां छुपी हुई हैं। तुम सब लोग को बोल रहा हूं, तुम सब लोग, कोई बोलता है आई एम हेल्पलेस, मैं दुखी हूं, मैं ये नहीं कर सकता, ये मैं मानने को तैयार नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर अनंत की शक्तियां विद्यमान है, परमात्मा तुम्हारे भीतर विद्यमान है। कोई भी चमत्कार तुम करने में सक्षम हो, कुछ भी तुम कर सकते हो, यू आर द इनफाइनाइट। और उस इनफाइनाइट को जागृत करना है। पहले जमाने में जो महर्षि लोग अलग अलग डायमेंशन में प्रवेश कर जाते थे, स्वर्ग लोक चले गए, वैकुंठ लोक चले गए, वो धीरे धीरे, जब शंभवी में मैं आपको आगे श्री विद्या में लेकर के जाऊंगा, तो आप देखोगे कि आपके शरीर में वो एनर्जी सेंटर्स हैं, कि उस एनर्जी सेंटर में जब आप प्रवेश करते हो, बाहर निकलते हो, यू एंटर इनटू डिफरेंट डायमेंशन। अभी आपको आवाज क्यों नहीं सुनाई देती, क्योंकि जो सटल बीइंग है, जो एस्ट्रल बीइंग है, वो जो जीव है, जो सूक्ष्म जगत के, उनकी जो आवाज की फ्रिक्वेंसी है वो मेरे कान में, मैं सक्षम नहीं हूं सुनने के लिए। लेकिन वाइब्रेशन की जो लैंग्वेज है, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ वाइब्रेशन। जो पहला है, जो वर्बल कम्युनिकेशन है, हम बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आपके कान सुन रहे हैं। लेकिन वेदों में कहा है वैखारी पश्यंती मध्यमा परावाणी। जो परमात्मा की वाणी है वो परावाणी है, वाणी उसकी भी विद्यमान है, जो वेदों में लिखा है वो परमात्मा की वाणी है। जब महर्षि जब साधना करते करते उस चेतना के स्तर पर पहुंच गए तो उनको वो वेदों की रचाएं सुनाई देनी प्रारंभ हो गई। बहुत जल्दी आप में से कुछ लोगों को मैं उस साधना में लेकर के जाना चाहूंगा जहां आप अपनी पूरी शुद्धि कर लो, अपने भीतर के फिजिकल टॉक्सिन्स को बाहर निकालो, अपने मन के अंदर के मेंटल टॉक्सिन्स को बाहर निकाल दो, अपने कर्मों के जो कार्मिक टॉक्सिन्स हैं उसको बाहर निकाल दो, क्योंकि वो सब एक ग्रॉस वाइब्रेशंस पे काम करते हैं। जैसे जैसे आप उसको निकालते जाओगे आप अनंत की तरफ आपका विस्तार होता जाएगा। शिव योग अद्वैत श्री विद्या साधना ब्रह्मांड की वो सर्वोच्च साधना है जो न केवल सभी के ध्यान और साधना का सार अपने भीतर समाहित करती है। मानव बोध गुरु अवधूत शिवानंद जी इस ज्ञान की धरोहर के पथ प्रदर्शक हैं। जो भोग और मोक्ष दोनों दिलाए वो है अद्वैत श्री विद्या साधना। भोग और मोक्ष को देने वाली इस शक्ति साधना में ब्रह्मांड के सभी रहस्य छुपे हुए हैं। इस साधना में इतनी शक्ति है कि जो भी किसी भी भाव से दीक्षा लेने आएगा उसकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और वो सुपात्र बन ही जाएगा। आपके जीवन में धन प्रचुरता खुशहाली सफलता भक्ति भाव से इस साधना को करने पर मनुष्य के जन्म जन्मांतर के संचित कर्म भस्म होते हैं। शिव योग अद्वैत श्री विद्या साधना में साधक शक्ति पात लेता है और वो मोक्ष की यात्रा का सुपात्र होना प्रारंभ हो जाता है। श्री विद्या की साधना करता है, कुछ समय के बाद उसको संकल्प सिद्धि प्राप्त होती है। शिव योग अद्वैत श्री विद्या साधना मनुष्य को लोक परलोक से पार लगाने की साधना है।